नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है। और हम आपको बता दें, अगर आपने स्नातक स्तरीय पद के लिए अप्लाई किया है, इंटरमीडिएट स्तरीय पद के लिए अप्लाई किया है, तो हम आप लोगों के लिए प्रेस्टिक सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये प्रेस्टिक सेट नंबर 8 है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने 4 आपको प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड किया है कि यानी कि जो पिछले वर्षों में पेपर किस तरह से हुआ था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और वहां पर पेपर चेक कर सकते हैं कि पिछले वर्ष एनटीपीसी का एग्ज़ाम किस तरह से लिया गया। उसके बाद हम आपको प्रेस्टिक सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 4 प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया और ये क्या है कि 4th नंबर का प्रेस्टिक सेट हो गया, यानी कि टोटल आपका 8वां नंबर है ये प्रेस्टिक सेट का। तो चलिए आपको ले चलते हैं पीडीएफ और दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे द्वारा क्रिएट किया गया पीडीएफ पर हम आ चुके हैं, भारतीय रेलवे एनटीपीसी सीबीटी पैटर्न स्टेज 1। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप लोग पता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, सारे के सारे जो भी एनटीपीसी एग्ज़ाम में सवाल या क्वेश्चंस जो भी पूछे जाने वाले हैं यहाँ पर सभी दिए गए हैं। आप लोग अच्छे से ट्राई कीजिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर आपको कितना क्वेश्चन आता है, कितना नहीं आया, कितने को आपने सॉल्व कर लिया, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और प्रेस्टिक कीजिए। और यहाँ पर आपका आंसर दिया गया उत्तरमाला, यहाँ पर आप लोग अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं संकेत एवं हल, यानी कि यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया गया है। तो आप लोग इसके मदद से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।